का बोल रहे हैं कि क्लोज कर, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर क्या आपको लगता है क्लोज करना चाहिए? हेलो, अच्छा ठीक है, सबको ज्वाइन कर लूँ तो मैं शुरू करें। अंजलि आपका क्लास कहीं और है, मीटिंग आईडी आप ग्रुप पे चेक करिए। सरस नहीं है क्लास? आप ग्रुप पे चेक करिए, मीटिंग आईडी कुछ और है। ओके सर। आपने किया होमवर्क वो जो निकुल सॉल्यूशंस का था? सर मैंने सेक्शन डी तक ही किया है। चलो निकालो, हम लोग डाउट डिस्कस करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आपको? नो सर, नहीं दिख रहा है ब्लैक आ रहा स्क्रीन। स्क्रीन पे। अब कुछ दिख रहा है, कुछ लिखता हुआ? नो सर। अभी नो सर, ब्लैंक आ रहा है सर। अब स्क्रीन लोड हो रहा है। अभी दिख रहा है? ये हमने जो लिखा है स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हेलो अभिनव एंड वैष्णवी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हमने जो लिखा है उसको? हाँ यस यस या नो? सर। ओके, तो हम लोग फिर शुरू करते हैं शीट का डिस्कशन। सेक्शन ए में किसी को कुछ डाउट है? सेक्शन ए। अच्छा आप लोगों ने भेजा नहीं अभी तक सॉल्व करके, कुछ ही लोगों ने बस भेजा है, बाकी लोग कब तक भेजेंगे? सर मैंने जो किया है उसके और मैंने सॉल्यूशंस को मैच कर लिया है। उसके पीछे जो एमसीक्यू में आंसर्स है ना, तो मैंने उससे मैच कर लिया था। नहीं, स्टिल यू शुड मेक अ पीडीएफ एंड यू शुड सेंड मी, ठीक है? ओके आई वांट टू सी। और आई मीन डू यू वांट द वर्किंग और द ऑप्शंस? वर्किंग ऑप्शंस बेटर है कि आप वर्किंग करो एक बार, ठीक है? ओके सर। जैसे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं तो उसमें जरूरत नहीं है, बट सम क्वेश्चंस व्हिच रिक्वायर कैलकुलेशन, तो वहां पे कैलकुलेशन वगैरह कुछ स्पेसिफाई करना है। ओके, तो हमें ओईसी का सबमिशन मिला है और रिया ने भेजा है, देन बस बस इन्हें दोनों भेजने दो, बाकी किसी ने भेजा था क्या? ओईसी एंड रिया, इसके अलावा किसी ने भेजा है क्या? मतलब मेरे को व्हाट्सएप पे दिख तो नहीं रहा है। सर मैंने भेजा है रिया। ओके, बाकी लोग? अभिनव आप कब तक भेजेंगे? हेलो अभिनव, यू आर एबल टू हियर? यस सर। हाँ कब तक भेजेंगे आप? कल सुबह तक भेज, कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, देन मुकिता। हेलो मुकिता, यू आर एबल टू हियर? यस सर। आपका कब तक आएगा सबमिशन? हेलो बोलिए। हेलो, एक्सक्यूज़ कर
आज वो कीजिए पहले ऐसे से काम है। हेलो हेलो मुकिता, यू आर एबल टू हियर? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? मुकिता? यस सर। आपका कब तक आएगा सर? कल आपको क्या समझने में दिक्कत हो रहा है ये टॉपिक? नो सर। ठीक है, तो आप कल कब तक भेज दिएगा? बाय टुमारो इवनिंग यू कैन सेंड? यस सर। देन व्हाट अबाउट अमीशा? हेलो अमीशा, सर आज हो जाएगा। ओके चलो ठीक है। देन वैष्णवी, आपका कब तक आएगा? सर टुमारो इवनिंग। टुमारो इवनिंग, ठीक है। ओके ओशी, आपका भी जो बाकी बचा हुआ है वो आप भेज देना पहले, ठीक है? ओके सर। वेयर इज भाव्या टुडे? भाव्या इज नॉट अटेंडिंग द क्लास सर। हां बोलो सर। मैंने जो किया है उसका आधा अधूरा वर्किंग है, तो वो कैसे भेजूं? जैसे किया वैसे ही भेज दो, ठीक है? पीडीएफ बना के, और बाकी जो बचा हुआ है उसको अच्छे से करो, ठीक है? ओके, तो सेक्शन ए बी सी डी एटलीस्ट सबने अटेम्प्ट किया है, राइट? यस सर। तो सेक्शन ए में कुछ डाउट है सर? सेवंथ क्वेश्चन। सर आपको कहाँ सेंड करना है? व्हाट्सएप पे। ओके सर। कौन सा क्वेश्चन बोला आपने? ए सेवन? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ए सेवन बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको इमिसिबल लिक्विड बताना है, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। हमने क्या किया, स्क्रीन पे इमिसिबल को सर्कल किया, ये दिख रहा है सबको? हेलो यस सर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इमिसिबल लिक्विड्स को बताना है। तो इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो आपस में डिसॉल्व नहीं हो, ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी का एक रूल होता है, दैट रूल इज व्हाट इज दैट रूल? Like dissolves like. What is the meaning of this statement? Like dissolves like. मतलब हमारे जो polar compounds होंगे, polar compounds, वो क्या होंगे? Polar solvent में dissolve करेंगे. और जो हमारे non-polar compounds होंगे,
वो क्या करेंगे नॉन पोलर में डिजॉल्व करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये लाइक डिजॉल्व्स लाइक समझ में आ रहा है सबको? सर इसका रीजन है, इसका रीजन वही सिमिलर उसके बीच क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर होंगे. ठीक है, जैसे पोलर कंपाउंड्स का तो हम लोग देख सकते हैं NaCl है, और इसको आपने डाल दिया लेटर से किसी पोलर सॉल्वेंट में, दैट इज वाटर में. ठीक है, तो यहाँ पे इसके बीच आयन डाइपोल का इंटरेक्शन होगा Na+ के साथ और Cl- के साथ, तो इसको ब्रेक कर देगा Na+ में और उसके कारण ये चीज डिसॉल्व हो जाएगा. नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए ये कैसे काम करता है एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो उसका नेचर सिमिलर होता है. ठीक है, जैसे अगर कोई C6H6 ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड जनरली इसमें डिसॉल्व कर जाएंगे, CCl4 इसमें डिसॉल्व कर जाएगा. ठीक है, लाइक दिस. तो यहाँ पे भी वही चीज करना है आपको, इमिसिबल मतलब जो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं है. तो ये चीज हमारा हाईली पोलर है वाटर, और ये चीज हमारा नॉन पोलर है, तो ये दोनों बिल्कुल भी क्या करेगा, डिसॉल्व नहीं करेगा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 4, दैट इज A. ठीक है, ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? और किसी को और सेक्शन ए में और कुछ डाउट? सर ये जो नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है इसमें तो लाइक CCl4 और C6H6 में व्हाट आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें? ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगा? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसमें. हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है अपने, केमिकल बॉन्डिंग? यस सर. उसमें जो वंडर वॉल्स फोर्सेस होते हैं, है ना, तो पांच तरह के वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, है ना. क्या क्या होता है वो, एक होता है हाँ आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन होता है, फिर आयन डाइपोल होता है, और उसके बाद फिर डाइपोल होता है, और क्या होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होता है. और क्या होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है. ठीक है, तो ये सब हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स. अच्छा सॉरी, आयन कुछ नहीं होता, आयन तो हमारा आयनिक हो गया. ठीक है, आयन को मिटा दो. बाकी आयन डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. ठीक है, तो ये सब हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. और कुछ किसी को डाउट है सेक्शन ए में? जिससे पूरा इंटरनेट पे वो एक स्टैंडर्डाइज वे में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब हर एक वेबसाइट का उसका एड्रेस होगा, मतलब वो एड्रेस एंटर करने के बाद. सेक्शन बी में और कुछ डाउट सेक्शन बी? सेक्शन बी में डाउट नहीं है. प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है सेटअप. हां, क्वेश्चन नंबर 1 2 10 एनी डाउट? ठीक है, नो सर. 11 टू 20 11 टू 16 ओके. हां बोलो. 15 या 16 क्या कह रहा है हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज है. ठीक है, इसको हमने डिसॉल्व किया 150 ग्राम वाटर में, परसेंटेज बाय मास ऑफ ग्लूकोज. तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है 10 ग्राम ग्लूकोज है इन 150 ग्राम वाटर. ठीक है, तो हम लोग जब मास परसेंटेज निकालते हैं
तो मास परसेंटेज का मतलब क्या है? मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है? मास ऑफ ग्लूकोज कुछ इंफॉर्मेशन रिमूव ही हो सकता है पर 100 ग्राम ऑफ हमेशा ऐड होते रहता है पर 100 ग्राम ऑफ व्हाट यहां पे वाटर ये किसका डाउट है ये क्वेश्चन अपना नाम बताइए रिया ओके तो रिया आप बताइए मास परसेंटेज ग्लूकोज का डेफिनेशन क्या होता है मास ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ व्हाट मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन ठीक है नॉट वाटर यहां पे वाटर नहीं है सॉल्यूशन तो 10 ग्राम आपके पास ग्लूकोज है 150 ग्राम वाटर में ठीक है तो इन अदर वर्ड्स यू कैन टेल यहां पे आपके पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन असल में किसका है सॉल्यूशन आपके पास जो है दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ टू थिंग्स ग्लूकोज एंड वाटर ठीक है यस सर हाँ उसमें इस पर्टिकुलर चीज में क्या 10 ग्राम आपने ग्लूकोज लिया कितने 150 ग्राम ऑफ वाटर में ठीक है तो 10 ग्राम आपने ग्लूकोज लिया ग्लूकोज हम इससे येलो से डिनोट करते हैं लेटर से वाटर को हमने व्हाइट से डिनोट कर दिया ठीक है इन 150 ग्राम वाटर तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया आपके पास 160 ग्राम ठीक है तो नाउ यू कैन जस्ट पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला तो मास ऑफ ग्लूकोज तो ग्लूकोज हमारे पास कितना है 10 ग्राम पर वन अच्छा ये 10 ग्राम हमारे पास कितने ग्राम सॉल्यूशन में है 160 ग्राम में ठीक है तो 160 ग्राम में हमारे पास इतना है तो 100 ग्राम में कितना होगा जस्ट इन 200 इज इट क्लियर यस सर हां तो दिस विल बी योर आंसर दैट इज 6.25% ठीक है ट्राई अगेन सर हां बोलो सर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 ओके हां ये B15 क्लियर हुआ सबको हेलो रिया आपको B15 क्लियर हुआ यस सर ओके तो इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन अदरवाइज आई एम क्लियरिंग इट क्लियर कर दे इसको यस सर ओके क्वेश्चन नंबर 8 चलो 8 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपके पास दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में आपके पास 3 मोलल NaOH लिया जिसकी डेंसिटी ये दी है ठीक है तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया होता है उसका वैल्यू हम लोग उसका मतलब समझते हैं ठीक है तो 3 मोलल हमारे पास NaOH है ठीक है इसका मतलब 3 मोल NaOH इज प्रेजेंट इन व्हाट ओइशी हेलो ओइशी यू आर एबल टू हियर यस सर Sir, 1 kg of the solvent. हाँ, 1 kg of solvent, ठीक है? 1 kg of solvent means here 1000 gram of water, isn't it? Yes, sir. And now what they are asking from you? They are asking कहाँ गया? अच्छा, इसकी density दी और इसकी molarity दी हुई है, ठीक है? तो molarity के लिए आपको क्या चाहिए? 3 mole अगर आपको ये पता चल जाए, 3 mole NaOH is present in this much ml of solution तो आपका काम बन जाएगा है ना ओइशी you are able to understand yes sir हाँ आपको बस यही जो fill in the blanks है इसकी value निकालनी है ठीक है तो 3 mole असल में है कितने पास हमारे पास 1000 gram में है ठीक है तो और वो water है अब यहाँ पे आप solution देखिए solution में हमारे पास क्या होगा दो चीज होगा एक NaOH होगा और वाटर होगा ठीक है तो वाटर हमारे पास कितना है 1000 ग्राम ठीक है और NaOH हमारे पास 1000 ग्राम में कितना है 3 मोल ठीक है इसका 3 मोल का मास कितना होगा NaOH का 3 × 40 120 ग्राम अच्छा ओके सर मतलब सॉल्यूशन का मास हमारे पास कितना हो गया 1120 ग्राम ठीक है हेलो दिस इज क्लियर यस सर यस सर तो सॉल्यूशन की मास आ गई आपके पास तो यहां से आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी यस सर तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपके पास फिर आंसर आ जाएगा सर एंड क्वेश्चन नंबर 7 आल्सो कैन यू से वंस हां क्वेश्चन नंबर 7 पहले ये क्लियर हुआ B8 क्लियर हुआ यस सर ये डाटा अगर लॉस हुआ तो बहुत ज्यादा है वो 7 मोलैलिटी भी है
अच्छा मोलैरिटी निकालनी है परसेंटेज और वॉल्यूम ठीक है ओके तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका मतलब समझते हैं 50% वेट बाय वॉल्यूम इसका मतलब क्या हमारे पास 15 ग्राम क्या है हमारे पास H2SO4 इन 100 ml ऑफ व्हाट तो सॉल्यूशन और वाटर सॉल्यूशन हाँ सॉल्यूशन ठीक है हमेशा हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं बस मोलैलिटी के केस में हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं ओके अब यहाँ पे डेंसिटी किसकी दी हुई है सॉल्यूशन की 1.11 सॉरी 1.10 ऊपर वाला तो मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट 15 ग्राम H2SO4 इन 100 ml 100 मतलब 100 अपॉन इसकी जो डेंसिटी दी है 1.1 ml ऑफ सॉल्यूशन यस सर और इसमें मोलैलिटी निकाल लेते हैं तो भी वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं नहीं नहीं 100 ml तो दिया ही हुआ है हम लोग को मास निकालना है ना वॉल्यूम तो दिया ही है तो हम लोग को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा ठीक है तो 1.1 इनटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज इट क्लियर यस सर तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 110 ग्राम ऑफ हमारे पास क्या है सॉल्यूशन उसमें क्या है हमारे पास 15 ग्राम H2SO4 ठीक है तो अगेन इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है सॉल्यूशन का मतलब इसमें दो चीज है सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे H2SO4 है और H2O है ठीक है H2SO4 कितना हमारे पास दिया है 15 ग्राम ठीक है और टोटल सॉल्यूशन कितना है 110 ग्राम तो H2O निकल जाएगा इससे 95 ग्राम यस सर तो फिर अब मोलैरिटी निकल जाएगी हाँ सर यस सर थैंक यू सर और बी सेक्शन में किसी को कुछ डाउट और कुछ डाउट सेक्शन में नहीं आगे बढ़े मतलब ओके तो हम ये सब क्लियर कर रहे हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन सी में किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर C5 बोला आपने मतलब हम लोग जो फॉर्मूला निकालते हैं क्या बोलते हैं E total is equal to P not A into XA plus P not B into XB ठीक है इसमें XA और XB क्या होता है हमारा मोल फ्रैक्शन इन इन लिक्विड फेज लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है वेपर फेज में तो यहाँ पे आपको रॉल्ट्स लॉ और हम लोगों ने जो एक दिन डिस्कस किया था रॉल्ट्स लॉ से तो हमारा ये रिजल्ट आता है और लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने डिस्कस किया था उससे हमारा क्या रिजल्ट आता है दैट इज पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए इज नथिंग बट पी टोटल यहाँ पे P total यही वाला है जो ऊपर वाला हमारा P total है this is only your P total into mole fraction of A in vapor phase ठीक है उसको हम लोग Y से denote कर रहे हैं is it clear hello हाँ तो यहाँ पे question में दिया क्या है vapor pressure PA not दिया है PA not दिया आपके pure benzene का और PA not दिया है आपके toluene का और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे टोलवेन का ठीक है तो ओके तो लेट अस से इस केस में हमारा क्या है ये टोलवेन है टोलवेन को हम लोग पीटी से डिनोट कर रहे हैं ठीक है इनटू वाईटी वाईटी हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया और टोलवेन ठीक है
और दूसरा क्या है क्लोरोबेंजीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन उसको हम लोग सिमिलरली ऐसे लिख देंगे, पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, उसको वाई बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो पीटी और पीबी है इसको हम लोग एलपीपी से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली इसको पीटी और पीबी को हम लोग रॉल्ट्स लॉ से भी रिलेट कर सकते हैं। रॉल्ट्स लॉ के हिसाब से पीटी हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी पीटी नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टी इन गैसेस फेज, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो पीटी नॉट की वैल्यू कितनी है, टॉलविन की 37 है, और एक्सटी की वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलविन दिया है 0.5, ठीक है, सिमिलरली पी ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 119 into mole fraction of benzene. So mole fraction of benzene क्या हो जाएगा? 1 minus mole fraction of toluene, that is also 0.5. ठीक है? तो PT और PB की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप इसमें पुट कर दो, और इनफैक्ट पुट करने का भी जरूरत नहीं, आप इन दोनों को इक्वेशन को बस डिवाइड कर दो, ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो यहाँ से आपका क्या आ गया रिलेशन, PT by PB is nothing but YT by YB, और इसकी वैल्यू PT by PB की आप यहाँ से पुट कर दो, PT की वैल्यू 37, PT by PB की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, PT by PB is nothing but 37 by 119, तो इसमें पुट कर दो, तो YT upon YB क्या है, mole fraction of benzene, that is nothing but 1 minus YT, that is equal to 37 by 119, ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, कंपोनेंट और डिविडेंड, तो YT by 1 that is 37 upon 37 plus 119, that is 126 137 by 116, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, पॉइंट या फिर ये होना चाहिए, ठीक है, इज इट क्लियर? और दूसरा पार्ट प्लेटिंग से वो क्या करेगा? यस सर, आपको फर्स्ट रैंक पे निकालना है, ओके, और कोई क्वेश्चन सेक्शन सी में, सर C14, C14, अच्छा C10 तक और कोई डाउट सर? C6, ओके, तो ये क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं, स्क्रीन से किसी को नोट करना है तो जल्दी नोट कर लो, फिर हम इसको क्लियर करते हैं, तो नोट कर लिया, C6 बोला आपने? Yes sir. Okay, C6 benzene and toluene form two ideal solutions A and B at 300 Kelvin. Solution A total pressure P A contains equal moles of toluene and benzene. अच्छा, solution B contains equal masses. And vapor pressure of benzene. तो जबरदस्त क्वेश्चन. बहुत लंबी कैलकुलेशन लगी है. Okay. हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन ए से, सॉल्यूशन ए में क्या है अपने पास, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है टोलुइन के और बेंजीन के, ठीक है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दोनों हमारा क्या हो गया 0.5 और 0.5, क्लियर है? यस सर। और फिर वेपर प्रेशर, हाँ, तो वेपर प्रेशर इसका डायरेक्ट निकल गया, पी टोटल इक्वल टू 0.5 इनटू जो टोलुइन का है दैट इज 160 प्लस 0.5 इनटू जो बेंजीन का है दैट इज 160, तो ये आपका सीधे से आ गया 110, ठीक है, तो ये पार्ट तो बहुत क्लियर है। पीबी में आपको थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, लेंथी कैलकुलेशन है, सॉल्यूशन बी में सॉल्यूशन बी में इक्वल मास लिया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो टोलुइन का मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, टोलुइन का फॉर्मूला क्या होगा, C7H8 होना चाहिए, मतलब दिस इज 84 एंड 19, और बेंजीन का मास कितना है, दैट इज C6H6, तो ये 78 आता है, तो इक्वल मास लिया आपने, तो कुछ भी एक वैल्यू ले लो, लेट अस से हमने 100 ग्राम ले, तो 100 ग्राम हमने या फिर x ग्राम ले लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे ही वैल्यू कट ही जाएगी। अच्छा, अगर इक्वली लेना है तो कुछ अच्छा वैल्यू ले सकते हैं,
एक काम करो, इसको हम लोग थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो बहुत दूर दूर है, तो हमको नहीं लगता है अप्रोक्सीमेट करने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 90 ले लेते हैं और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 80 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। फिर हम लोग क्या करते हैं, 90 और 80 का कोई एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमारा जो मोल फ्रैक्शन वगैरह है वो अच्छे वैल्यूज आए, ठीक है। तो हमने ऐसा माना, लेट अस टेक इस दोनों का मल्टीपल कितना होगा, 36 48 70 76 720 ले लेते हैं। 720 ग्राम हमने क्या लिया, टोलुइन भी ले लिया और 720 ग्राम हमने क्या ले लिया, बेंजीन भी ले लिया, ठीक है, इज इट क्लियर। हेलो, हाँ, तो टोलुइन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन 720 अपॉन 90, दैट इज 8 मोल्स। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने आ गए, दैट इज 720 अपॉन 80, दैट इज 9 मोल्स, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन क्या आ गया हमारे पास, 8/17, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन हमारे पास क्या आ गया, 9/17। इज दिस क्लियर? यस सर। या फिर आसान, चलो अब हम लोग इसकी इसका प्रेशर निकाल सकते हैं। टोटल विल बी नथिंग बट बेंजीन का जो है, आपकी पीबी की वैल्यू आ गई, ठीक है, और इधर पी ए का आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है 110, तो पी ए बाई पीबी से आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो बस लेंदी कैलकुलेशन है। वैसे यहाँ पे हम लोग एक और अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, तो नोटिस करो वो अप्रोक्सीमेशन ज्यादा एक्यूरेट होता है। 92 को आप अप्रोक्सीमेटली 91 मान लो, ठीक है, और ये चीज आपका क्या है, 78, तो 13 7 जा और 13 6 जा, तो वो ज्यादा एक्यूरेट आता है। चलो वैसे ये भी चलेगा 90, ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं। सर वहां पे आपने 720 ग्राम कैसे लिए, 720 ग्राम हमने इसलिए लिया ताकि इस दोनों के लिए कुछ अच्छा वैल्यूज आ जाए। यहाँ पे हम 100 ग्राम भी ले सकते थे, ठीक है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो आता वो 100 अपॉन टोलुइन का जो मास है 90, ऐसा कुछ आता, ठीक है, बेंजीन का मास भी 100 अपॉन 80 ऐसा कुछ आता। तो ये वैल्यूज 8, 9, ये सब सिंपल वैल्यूज, ये सब देखने में अच्छा लगता है। एक्स ग्राम भी ले लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली एक्स एक्स कटने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि इक्वल ग्राम कितना है, मतलब हम लोग कुछ भी ले, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर, तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, समझ आया सबको। हाँ, और बताओ, ये C6 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन C15, ओके, तो इसको हम क्लियर करें, कुछ नोट करना है तो आप लोग नोट कर लो, फिर हो गया सर। फिर आपने क्या बताया, क्वेश्चन नंबर C15, गूगल में अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव होता है, उसमें हम सारा मतलब म्यूजिक फाइल, टेक्स्ट फाइल, वीडियो फाइल सारा सेव कर सकते हैं। Assuming the permission of our body is that गूगल का जो सर्वर होगा वहां पे सेव होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली गूगल ड्राइव क्या है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन वगैरह निकालते हैं, ठीक है, तो 156 ग्राम ऑफ बेंजीन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना होगा, 1560 डिवाइडेड बाय 78, दैट इज 20 मोल हमने कितना लिया, बेंजीन लिया, ठीक है, और 125 ग्राम ऑफ फ्लोरोबेंजीन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरोबेंजीन कितना होगा, 1125 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास 1.25, तो ये 10 मोल लिया, तो यहां से आप सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा हमारा, 2/3, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन हो गया हमारा 1/3। ओके, अब एक्सटर्नल प्रेशर हमें क्वेश्चन में दिया है 100,000 टोर,
तो मतलब जो हमारा पी टोटल होने वाला है दैट विल बी नथिंग बट एक्स पी इनटू पीबी नॉट प्लस एक्स सी इनटू पीसी नॉट और पी टोटल की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 1000 डॉलर एक्स बी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 2/3 एक्स सी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 1/3 ठीक है आपको बस पीबीसी पीसी नॉट और पीबी नॉट देखना है ठीक है ओके तो यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर दिया ठीक है 90, 110, 100 और 120 तो आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा आपको ये चारों वैल्यूज इसमें पुट करनी है ठीक है लेट अस से हमारा आंसर अगर 90 डिग्री सेल्सियस हो तो 90 डिग्री सेल्सियस पर पीसी की वैल्यू कितनी है हमारी वो हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन से पीसी की वैल्यू 90 डिग्री पे कितनी है 200 दिख रहा है सबको क्लोरोबेंजीन का ये प्रेशर है ना इधर मतलब ये कुछ हेलो समझ में आ रहा है सबको हां यस सर हां 90 डिग्री सेल्सियस पे फिर बेंजीन की कितनी है 1000 तो पी नॉट बेंजीन दैट इज इक्वल टू 1000 अब इसको आप इसमें पुट करो पीबी नॉट और पीसी नॉट की ये वैल्यू तो पी टोटल आपका क्या आ जाएगा 2/3 ऑफ पीबी नॉट दिस इनटू 2/3 प्लस दिस इनटू 1/3 तो ये वैल्यू 1000 से तो ज्यादा है ना 1000 के इक्वल नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत ठीक है सेकंड ऑप्शन हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस को ट्राई करते हैं बी ऑप्शन तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पीसी नॉट की वैल्यू क्या है वैष्णवी आप बताओ हेलो वैष्णवी यू आर एबल टू हियर सर फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए हां हमने बोला 100 डिग्री सेल्सियस पे पीसी नॉट की वैल्यू क्या है क्लोरोबेंजीन का वेपर प्रेशर क्या है तो कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट मोड एंड ठीक है और उसका बेंजीन का कितना है सर 1350 हां ठीक है तो 300 हमारा पीसी नॉट हो गया और पीबी नॉट क्या हो गया 1350 ठीक है ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं फिर इन दोनों वैल्यूज को फिर इस इक्वेशन में पुट करो तो पी टोटल हमारा कितना आना चाहिए अगर ये ऑप्शन सही है तो 2/3 इनटू पीबी नॉट दैट इज 1350 प्लस 1/3 ऑफ 300 तो इसकी वैल्यू हो गई 900 और इसकी वैल्यू हो गई 100 तो आंसर हमारा आ गया 1000 ठीक है मतलब ये भी बी ऑप्शन हमारा क्या है बी ऑप्शन इज द करेक्ट समझ में आया ये चीज सबको यस सर यस सर किसी को इसमें डाउट है मुकिता आपको समझ में आया पॉइंट है कि उसको भी हम नोड बोलेंगे हेलो मुकिता यस सर और कुछ डाउट है सेक्शन में इसको नोट करना है तो नोट कर लो फिर हम क्लियर करते हैं आगे बढ़ते हैं सर 14 इसको क्लियर करें हम हां सर सर नंबर 14 ये तो क्लास में कराया हुआ है सर 13 अच्छा नहीं 14 अब पूछ लिया तो हम बता दो ठीक है 14-13 दोनों देखते हैं ये स्ट्रेटजी का क्वेश्चन नंबर इस पे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ठीक है तो प्रोटोकॉल एक्स ए और वाई ए का प्लॉट बनाना है तो बस पी ए इज इक्वल टू पी टी इंटू वाई ए पी बी इज इक्वल टू पी टी इंटू वाई बी ये दोनों इक्वेशन आ जाते हैं हमारे एलपीपी से लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से और रॉल्ट्स लॉ से क्या होता है पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए लिख सकते हैं तो पी टी इंटू वाई ए और दूसरा पी ए नॉट इंटू एक्स ए तो यही से शुरू कर लेते हैं हम लोग ये जो पीटी की वैल्यू है पीटी की वैल्यू आप पुट कर दें या फिर आपको निकालना क्या है 1/XA वर्सेस 1/YA तो
1 by ya this can be written as html kya hota hai pt by कोई भी audio hota hai audio pa into ये not into x होता है ठीक है या फिर आप pt की value put कर दो तो pt क्या है pa not into xa plus pb not into xb upon pa not into xa तो ये आपकी 1 by y a की वैल्यू आ गई इसको और सिंपलीफाई करो आप 1 by y a इज नथिंग बट एक मिनट इसको बोलते हैं html डॉक्यूमेंट तो http सर्वर में http डॉक्यूमेंट हो गया ठीक है अगर आपको अभी अच्छा चलो ठीक है बोलते रहते हैं याद है क्या लिखा था वन बाई वाई ए ये हमारा क्या होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी वी नॉट इंटू एक्स बी अपॉन पी ए नॉट इंटू एक्स ए ठीक है फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं अच्छा हाँ एक्स बी हम लोग को इक्वेशन में नहीं चाहिए ठीक है तो एक्स बी को हमने क्या किया एक्स बी को रिप्लेस कर दिया वन माइनस एक्स ए से ठीक है तो हमारा इक्वेशन हो गया वन बाई वाई ए इज इक्वल टू p a not x a plus p b not minus p b not into x a upon p a not into x a तो x a को ऊपर से ले लेते हैं तो ये आ जाएगा p a not minus p b not upon p a not ऊपर से x a कट गया बचा p b not upon p a not into x a ओके तो ये आपका रिलेशन आ गया 1 by y a और 1 by x a में ठीक है लेकिन आपको प्लॉट किसके किसके बीच बनाना है 1 by x a वर्सेस 1 by y a ठीक है तो हम लोग का जो रिलेशन है वो थोड़ा उल्टा आया है आपको जो प्लॉट चाहिए उसमें इधर आपको चाहिए 1 by y a और इधर क्या चाहिए 1 by x a तो दिस शुड बी योर y दिस शुड बी योर x दिस शुड बी योर y एक्सिस एंड दिस शुड बी योर x एक्सिस तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 1 by y a ये हमारा क्या है y एक्सिस y इज इक्वल टू pa नॉट ये चीज हमारा क्या हो गया इंटरसेप्ट उसी से लिखो प्लस ये चीज हमारा क्या हो गया स्लोप जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं आप लोगों ने ये मैथ्स में पढ़ा होगा ठीक है अगर किसी लाइन का अगर स्लोप m है और y इंटरसेप्ट c है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता है y इक्वल टू mx प्लस c सुना है आपने हेलो यस सर तो यहाँ पे भी हम लोग सेम काम कर रहे हैं ये चीज 1 by y a हमारा y हो गया ठीक है जो y एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं 1 by x a हमारा x हो गया और m हमारा क्या हो जाएगा pb not by pa ठीक है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं y is nothing but your 1 by y a x is nothing but your 1 by x a m जो कि हमारा स्लोप है उसकी वैल्यू क्या है pb not upon pa not और c जो है हमारा इसकी वैल्यू क्या है pa not minus pa not upon pa not तो इस क्वेश्चन में 1 by x a अरे गड़बड़ कर दिया हमने यहाँ पे प्लॉट जो आपको बनाना है 1 by x a versus 1 by y a बनाना है this is your this is not your y axis this is 1 by x a यहाँ पे हमारा जो उससे बहुत सिमिलर है जैसे 1 by x versus 1 by y मतलब हमारा जो कर्व बनने वाला है y एक्सिस पे कौन होगा 1 by x a और x एक्सिस पे क्या होगा 1 by y a सो दिस इज योर x और इसको फर्दर सिंपलीफाई करो आप तो ये चीज क्या है a नॉट ये फाइल स्टार्ट है ये नॉट अपॉन कंप्यूटर कोड है जिसको सर्वर ये नॉट अपॉन क्या करेगा ये नॉट एक फाइल को चेंज करेगा कोड को हमें दिखाएगा कौन से सॉफ्टवेयर में ब्राउजर में ठीक है तो ये क्लियर हुआ आपका
और ये हमारा 1 by x ए क्या आया है, that is your y axis. इसको कुछ और बोल दो, इसको d बोल दो. इसको n बोल. हमारा equation हो गया x equal to b plus n y. अब इसको हम लोगों को किस फॉर्म में रिड्यूस करना है, y equal to mx plus c के फॉर्म में. तो 1 by n से पूरे को डिवाइड कर दो. इसको अदर वर्ड्स में हम लोग लिखते हैं y is equal to x minus b by n. तो इस इक्वेशन में हमारा स्लोप क्या हो गया, m is equal to 1 by x, sorry 1 by n, and c is equal to minus b by n. तो स्लोप हमारा क्या हो गया, 1 by n, n की वैल्यू है ये, तो 1 by n की वैल्यू p a not upon p b not, p a not upon p b not, p a not upon p b not. तो इस दोनों में से कुछ आंसर होगा हमारा. और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, माइनस डी अपॉन एन. तो माइनस ऑफ डी मतलब माइनस ऑफ डी मतलब पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट अपॉन एन. एन इज पी बी नॉट, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट अपॉन पी ए हमारा आंसर हो जाएगा. समझ में आया ये चीज सबको, फिर से एक्सप्लेन करें. हेलो यस सर. तो एक काम करो, हम लोग फ्रेश पेपर पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट है. स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर. स्क्रीन पे क्या लिखा है? लिक्विड सॉल्यूशन शीट डिस्कशन. हाँ. तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का दो तरह से हम लोगों ने वैल्यू निकाला, ठीक है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या जाता है, एक्स ए इनटू पी ए नॉट, दिस इज बाय रॉल्स लॉ. क्लियर है सबको? हाँ सर. और बाय पार्शियल प्रेशर, पार्शियल लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से क्या आता है, दिस वाई ए अपॉन वाई ए इनटू पी टी, ठीक है, दिस इज फ्रॉम लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. समझ में आया सबको? तो these two values can be equated, so हम लोग लिख सकते हैं x a into p a not is equal to y a into p t. आपको कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है. तो x a, हम लोग को x a और y a में basically relation चाहिए और p t नहीं चाहिए. p t की value हम लोग put कर देते हैं, x a into p a not is equal to y k. और PT की वैल्यू हम लोग रॉल्स लॉ से पता है, PT is nothing but PA not into XA not, sorry XA not कुछ नहीं होता, XA plus PB not into XB. अब XB हम लोग को नहीं चाहिए, XA के टर्म्स में सब लिखना है, तो इसको हम लोग XA के टर्म्स में PA not into XA plus PB not into 1 minus XA. सम सारे मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं PA not minus pb naught into xa plus pb naught. यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो, यहाँ तक सबको? हाँ. अब हमें जो रिलेशन निकालना है वो 1 by ya और 1 by xa के टर्म्स में निकालना है. तो इस साइड हमने 1 by ya की वैल्यू निकाली, 1 by ya क्या हो जाएगा हमारा, pb upon xa into pa naught. क्लियर है? बस 1 by दोनों साइड कर दिया. समझ में आ रहा है ना? यस सर. तो अब पीटी की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ से, यहाँ से पीए नॉट माइनस पीबी नॉट एवरीवन. समझ में आ रहा है सबको?
Yes, sir. अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया। क्यों किया मैथमेटिकल मैनिपुलेशन? क्योंकि आपको जो कर्व चाहिए वो 1 by xa versus 1 by ya, ये कर्व चाहिए, ठीक है? मतलब this should be on your y axis and this should be on your x axis, clear है? तो आप बताइए स्टैटिक। तो इस फॉर्म का जो इक्वेशन होता है, that is y equal to mx plus c, ठीक है? 11th में आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, जो इंटरसेप्ट और स्लोप होता है, ये हमारा सी क्या होता है, y पे इंटरसेप्ट और m क्या हो जाता है, हमारा स्लोप हो जाता है। तो बस इस इक्वेशन को आप थोड़ा रीअरेंज करो, इस चीज को उस साइड ले जाओ और पूरे इक्वेशन को पी ए नॉट बाई पी बी नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो हमने पी ए नॉट बाई पी बी नॉट से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन हो जाएगा पी ए नॉट बाई पी बी नॉट इनटू 1 बाय वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट बाई पी बी नॉट से इसको मल्टीप्लाई करो, तो पी ए नॉट माइनस पी नॉट इनटू पी ए नॉट बाई पी बी नॉट, तो ये आ जाएगा प्लस 1 बाई एक्स। टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? हेलो, समझ में आ रहा है हमने क्या किया यहाँ पे? हमने LHS और RHS दोनों को क्या किया है, PA नॉट बाई PB नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे PA नॉट बाई PB नॉट इनटू 1 बाई IA YA हो गया, यहाँ पे PA नॉट से ये PA नॉट कट गया और ये चीज आ गई, और यहाँ पे PB नॉट बाई PA नॉट से 1 बाई X आ गया। सबको क्लियर है ना? यस सर। अब बस इसको पुट कर दो, जो हमारा y equal to mx plus c के लिए चाहिए, तो 1 by xa हमारा क्या है, 1 by xa हमारा y है, ठीक है? तो इसको हमने पुट कर दिया y प्लस ये चीज हमारा क्या है, ये चीज कुछ भी हो, इसको हाथी बोल दो, तो ये हमारा हाथी आ गया। And this is equal to 1 by PA by PB naught into 1 by YA. 1 by YA कौन है हमारा? 1 by YA x axis पर, x into ये चीज PA naught by YA। तो अब rearrange कर दो, तो y is equal to PA naught by PB naught into x minus हाथी, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या हो गया, पी ए नॉट बाई पी बी नॉट, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में एम होता है ना स्लोप, तो दिस बिकम्स योर स्लोप, और वाई इंटरसेप्ट जो होता था दैट इज माइनस हाथी, ठीक है? क्लियर? बोलो वाल्को, सर क्लियर? तो अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो मतलब हमारा स्लोप क्या आना चाहिए, स्लोप आना चाहिए हमारा पी ए नॉट बाई पी बी नॉट, और हमारा इंटरसेप्ट क्या आना चाहिए, इंटरसेप्ट आना चाहिए माइनस ऑफ हाथी, तो हाथी हमारा ये चीज था, तो माइनस ऑफ हाथी क्या होगा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट। तो अब वापस क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं कौन से थे, ये थे पी ए नॉट बाय पी बी नॉट, ऐसा नोटिफिकेशन आता ना कि योर ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है, इज नॉट एबल टू प्ले दिस मीडिया प्लीज अपडेट योर सॉफ्टवेयर, इसका मतलब है कि अब ये जो क्लियर है ये चीज, उसमें जो कंटेंट है, यस सर, ऑब्वियस सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं और बोलो कौन सा क्वेश्चन। यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, ठीक है? एक चीज क्या समझना है, हमारा जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जब तक हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा, सेम होगा। कंटेनर आप कुछ भी ले लो, ठीक है? लेट अस से
इसमें पानी भरा हुआ है ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्या कुछ वेपर होगा, कुछ वेपर प्रेशर होगा क्या, लेटर से वो चीज इनॉट है ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया ऊपर से ठीक है। पहले लेटर से यहाँ पे वॉल्यूम जो था वी अमाउंट था, अब ऊपर से आपने इसको और दबा दिया और वॉल्यूम अभी कितना हो गया, वी बाई थ्री ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करो वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है, सेम रहता है। तो वेपर प्रेशर विल स्टिल बी पी नॉट ओनली ठीक है। तो अब इस नॉलेज के साथ हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अपन ने किया क्या है, हमारे पास इधर बेंजीन है जिसकी वेपर प्रेशर दी हुई है 100 और टोटल प्रेशर जो हमारे पास गैस का है दैट इज 750 mm ऑफ एच2। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए 750 mm के असल में दो कंपोनेंट है ठीक है। इसमें कुछ कंपोनेंट होगा जो एयर के प्रेशर के कारण आ रहा होगा और कुछ कंपोनेंट होगा जो बेंजीन के कारण आ रहा होगा, बेंजीन के वेपर के कारण होगा। तो एयर के कारण कितना होगा वो पहले निकालते हैं, बेंजीन बेंजीन के ये कितना होगा ठीक है। तो बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है 100 mm, तो मतलब यहाँ पे 100 mm ऑफ एचजी जो है दैट इज ड्यू टू बेंजीन वेपर्स और बाकी जो 650 होगा दैट विल बी ड्यू टू एयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, हेलो समझ में आ रहा है? यस सर। फिर हमने क्या किया, इसको आइसोथर्मली कंप्रेस किया ठीक है। आइसोथर्मली मतलब P1V1 is equal to P2V2 ठीक है। तो वॉल्यूम को आपने 1/3 कर दिया मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, 3 गुना। तो इस चीज पे वॉल्यूम को 1/3 करने का क्या इफेक्ट होगा, इसका प्रेशर 3 गुना हो जाएगा दैट इज 650 into 3 दैट इज 1950 mm of Hg इसका प्रेशर हो जाएगा ठीक है। इस पे क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम को 1/3 करने का कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ठीक है। इसका वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर डज नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करो। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया, आइसोथर्मली हम चेंज कर रहे हैं, तो इसका प्रेशर यहाँ पे भी क्या होगा, 100 mm of Hg होगा ठीक है। तो टोटल प्रेशर अब क्या हो जाएगा हमारा, 1950 प्लस 100 दैट इज 2050। क्लियर है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। ओके, इसको नोट करना है तो नोट करना, फिर आप क्लियर करते हैं। सर्वर अगर आप उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग से भी याद रखेंगे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़े, सर्वर मतलब क्या, जो सर्व करता है ठीक है। जैसे होटल में करता है, वेटर होता है, तो हम कुछ भी ऑर्डर देते हैं तो वो हमें सर्व करता है। तो सर्वर क्या हुआ कि हमारा ब्राउजर या जो पे वहां से हम कुछ यूआरएल डालेंगे या कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये आगे बढ़े बोलो, इंफॉर्मेशन सर्व करेगा ठीक है। यस सर। ओके, तो इसको फिर हम क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया था, C13। यस सर। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन टोलुइन ज़ाइलीन एट दिस डिस्टेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन टोलुइन ज़ाइलीन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, आपके पास तीन चीजें है, बेंजीन है, टोलुइन है और ज़ाइलीन। अच्छा, ज़ाइलीन का स्ट्रक्चर पता है किसी को? बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको पता है? यस सर। हाँ, ये क्या बनाया हमने, बेंजीन बनाया ना। हाँ सर। ये क्या है, टोलुइन। टोलुइन ज़ाइलीन क्या होता है, ज़ाइलीन टोलुइन के दो CH3 ग्रुप लगता है। हाँ, दो सी एस थ्री ग्रुप बन जाता है, ज़ाइलीन बन जाता है। दिस इज योर ऑर्थो ज़ाइलीन, सिमिलरली मेटा और पाइला भी बना सकते हैं।
कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन में इनका क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर दिया है और उसका हम लोग चार केस ले रहे हैं, ठीक है। पहले तो इक्विमोलर बाइनरी बना रहे हैं, तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक तो हमारे पास बेंजीन है, टोलुइन है और ज़ाइलिन है, ठीक है। इक्विमोलर अगर हम मिक्सर ले, बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो चीज होना चाहिए, तो या तो हम लोग बी और टी को ले सकते हैं, तो एक बाइनरी सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, या फिर दूसरे कलर से ले सकते हैं, या फिर एक टोलुइन और एक ज़ाइलिन को ले सकते हैं, तो एक और बाइनरी बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। या फिर ब्लू कलर से अगर बेंजीन और ज़ाइलिन को ले लें, तो एक और हमारे पास क्या बन जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, समझ में आया? यस सर, यस सर। तो तीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनरी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने लिक्विड से बी और टी लिया, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्विमोलर ले रहे हैं मतलब मोल फ्रैक्शन आधा आधा है ना, और बेंजीन और टोलुइन मतलब हाफ इनटू 75 प्लस हाफ इनटू योर 22 है ना, दिस विल बी 75 प्लस 22 बाय 2, ये हमारा प्रेशर होना चाहिए, दैट इज 97 बाय 2, दैट इज 46 होल 1 बाय 2, ठीक है, ये बीटी के केस में। सिमिलरली अगर हमने टीएक्स लिया, टोलुइन और ज़ाइलिन, तो टोलुइन और ज़ाइलिन क्या 22 प्लस 10 अपॉन 2, तो ये हमारा क्या गया 16 आ गया, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या किया, बीएक्स ले लिया, बेंजीन और ज़ाइलिन, ठीक है, तो बेंजीन का कितना 75 प्लस ज़ाइलिन का कितना 10 अपॉन 2, दिस विल बी 42 होल 1 बाय 2, ठीक है। ओके, तो ये हुआ हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। अब एक बार क्वेश्चन में हम लोगों ने टर्नरी भी बनाया, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और उसको भी इक्विमोलर, मतलब तीनों आपको कितना लेना है, एक एक मोल लेना है, बी टी एक्स टी, ठीक है। तो उस वाले टर्नरी का क्या होगा, बी टी एक्स, तो मोल फ्रैक्शन तो 1/3 हो गया इक्विमोलर का, तो 1/3 इनटू क्या हो जाएगा हमारा 75 प्लस 22 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 32/7/3, ठीक है, दिस विल बी नथिंग बट 35/2/3, तो 48 होल 1/5 आया क्या, अच्छा यहाँ पे 48 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 16 आ गया, ठीक है, 35/2/3 आ गया, ये नहीं आया, ठीक है, which of the following is not possible, तो हमारा आंसर B हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस वो थोड़ा लैंग्वेज, ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसको क्लियर करें, बोलो बोलो, इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत सारे क्लाइंट हैं, हेलो, यस सर, सेक्शन डी में और कुछ, सेक्शन सी में और किसी को कुछ डाउट, ओके, सेक्शन डी बुक मेंटेन हो, उसका अपग्रेड भी कर सकते हैं, डाउट क्योंकि आपको बस सर्वर अपग्रेड करना है, सेक्शन डी में डाउट नहीं है, सर ये सेक्शन डी में क्वेश्चन 5-6 इनमें क्या याद रखना पड़ेगा या कोई कोई लॉजिक कुछ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4-5-6 ये इसका एग्जांपल सबको याद रखना होगा, मैं बताया था मेरा जो जो एग्जांपल हमने क्लास में लिखाया था, तो दैट इज मोर देन इनफ, उसके बाद से नहीं आएगा, ओके सर, और क्वेश्चन 7 में यूकेटिक फॉर्मेशन मतलब क्या है, वो स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं, हम लोग मेटलर्जी में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके सर, और कुछ क्वेश्चन सेक्शन डी में, सर 16 डी 16 यस सर, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए कि हमारा जो एसीटोन प्लस
CHCl3 का है मिक्सचर, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन अगर शो करेगा मतलब इसका पी एक्चुअल जो है वो क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू पी जो रॉल्स लॉ से आना चाहिए, है कि नहीं? बोलो। यस सर, यस सर। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिकॉल करो तो हम लोगों ने जो कर्व ड्रॉ किया था एक्स ए और एक्स बी वर्सेस रॉल्स लॉ हम लोगों ने निकाला था ना एक्स बी एक्स ए करके, ये होता है आइडियली और नीचे से जब जाता है तो ये नेगेटिव डेविएशन और ऊपर से जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो इस तीनों कर्व में आप देखो जब कोई भी एक चीज जीरो हो, ये वन हो या फिर ये वन हो और ये जीरो हो, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या होता है कॉइंसाइड कर जाता है हमारे एक्चुअल पे, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट योर केस ऑफ दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो जब एक्सटेंडिंग टू जीरो हो तो वो इस एंड और इस एंड की बात कर रहा है, वहां पे क्या होता है एक्चुअल और रॉड्स सेम हो जाता है, ठीक है। तो बी और सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यस सर। ओके, और ये ऑप्शन डी जनरल नॉलेज है। एसीटोन जो होता है हमारा वो थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होता है इन कंपैरिजन टू क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो उसका इसलिए उसका पी नॉट का वैल्यू एसीटोन के लिए क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। यस सर। और कुछ डाउट किसी को सेक्शन डी में? नहीं है, इसको क्लियर करें हम। ओके, और किसी को और कुछ डाउट पूछना है? Sir, are azeotropes form when they have the similar structure? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, similar structure वैसा कुछ relation नहीं, ठीक है। What CHCl3 और acetone का हो जाता है azeotrope, ठीक है। और azeotrope के बारे में एक speciality है कि वो जो होता है हमारा किसी particular concentration पे ही होता है, ठीक है। azeotrope का concentration is very much fixed, जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो देखा था, जैसे पॉजिटिव डेविएशन का केस ड्रा करते हैं, जैसे दिस वाज द पॉजिटिव डेविएशन, तो एजियोट्रोप हम बस इस पॉइंट को बोलेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो इस पॉइंट पे हम कहेंगे कि यहाँ पे एजियोट्रोप एग्जिस्ट कर रहा है, इज इट क्लियर? यस। इस पॉइंट को हम लोग नहीं बोल सकते, इसको नहीं बोल सकते, इसको नहीं बोल सकते, ये सब पॉइंट हमारे एजियोट्रोप नहीं है, ठीक है। एजियोट्रोप जहाँ पे ये मैक्सिमा आ रहा है या फिर अगर नीचे से ड्रॉ करो तो जहाँ पे ये मिनिमा आएगा, ठीक है, तो उसी कॉन्सेंट्रेशन पे। अब ये मिनिमा मैक्सिमा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमारा एक्स ए होता था एक्स बी होता था, ठीक है, यहाँ एक्स ए होता था एक्स बी होता था, यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी वेरी कर रहा है, तो एजियोट्रोप इसलिए हमारा क्या होता है, एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे, एक स्पेसिफिक एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू पे ही हमारा क्या करता है, एजियोट्रोप एग्जिस्ट करता है, इज इट क्लियर? इसलिए आप एनसीईआरटी वगैरह में देखेंगे जब भी उसका वैल्यूज दिया है, तो जैसे HNO3 और दूसरा कौन होता है, HNO3 और वाटर होता है, ठीक है, तो उसका कुछ परसेंटेज होता है, 35% HNO3 जब होता है तब ये एक मिनट, हम लोग सेक्शन ई के बाद हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप लोग का कुछ कुछ होमवर्क हम लिख देते हैं इधर ताकि आपको याद रहे, तो सबसे पहला तो होमवर्क है, एक तो ऑलरेडी जिसका डेडलाइन खत्म हो चुका है, आज हमने आज तक बोला था सेक्शन आई तक कम्प्लीट करने के लिए लेकिन सब लोगों ने किया नहीं, तो टुमारो इवनिंग तक सब लोगों का सेक्शन आई तक हो जाना चाहिए, ठीक है, सेक्शन आई तक कंप्लीट करके सब लोगों को 6 बजे तक पीडीएफ दे दें,
ठीक है, प्लान का भी पॉइंट होता है इसमें, हम ओके कर सकते हैं। हेलो एवरीवन इज ओके विद दिस? ओके सर। अच्छा जब मीटिंग शुरू हुआ था तो आप लोग 8 थे, अभी 3 ही बचे हो, बाकी लोग कहां चले गए? ओके चलो ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज ये जो शीट है, ये वाली जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसका जो यहां पे कह रहे थे बैकअप सेक्शन आई के बाद कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, मिसलेनियस क्वेश्चंस है और एक्सरसाइज 2 है, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट वीक, जो कॉम्प्रिहेंशन है प्लस एक्सरसाइज 2, ठीक है। इसके बाद भी एक्सरसाइज 3-4 है, वो हम अभी नहीं दे रहे हैं। एक्सरसाइज 2 तक आप लोग इसको नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे को होगा, मंडे को है ना नेक्स्ट क्लास? ट्यूसडे। ट्यूसडे by Tuesday evening, ये चीज़ आप लोग ओके। और कुछ पूछना है सर? कौन सा एक्सरसाइज तक करना है? एक्सरसाइज 2 सर। हाँ बोले सर, डाइल्यूट सॉल्यूशन में वैन ऑफ फैक्टर 1 क्यों होता है? वैन ऑफ फैक्टर 1 का 1 होता है, ये किसने बोला? सर डाइल्यूट में मतलब इस शीट में अगर डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशंस का 1 है। हां मैंने इंटरनेट में भी सर्च किया था, तो वो क्यों डाइल्यूट सॉल्यूशन का वैन ऑफ फैक्टर 1 होता है? ठीक है, तो ये होता है जब आप नहीं सर, वरना मैं तो गूगल अकाउंट पे लिंक करना कहां पड़ा है यार, आप लोग ये होमवर्क करके रखो, ठीक है। अभी आई एम एंडिंग लिटिल अर्ली, अभी 8 बजे तक क्लास होना था, लीविंग अर्ली था, अभी आपको सर्विस करना है। सर सर कैन यू इंक्रीज द टाइम फॉर द सेकंड वन, सेकंड होमवर्क? ट्यूसडे इवनिंग। अच्छा ट्यूसडे के बाद अगला क्लास कब है? फ्राइडे। फ्राइडे सर, क्योंकि टेस्ट है हमारा स्कूल में। अच्छा ठीक है, तो आप फ्राइडे को देना, बाकी सबके लिए ट्यूसडे, ठीक है। सर और फर्स्ट होमवर्क के लिए कल ही डेडलाइन है, क्योंकि कल 2 मैथ की क्लास है। कल 2 कल 2 मैथ क्लास है, रोहित सर ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या फिर संडे इवनिंग रखते हैं? ठीक है, बड़े बड़े डाटा सर्वर होते हैं, मतलब संडे इवनिंग ओके है सबको? बड़ा सा बेड है जिसका साइज एक रूम से भी बड़ा होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा ओके सर। तो दिस इज योर संडे इवनिंग, और फिर ये आपका ये ट्यूसडे को रहेगा, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर हमको मैसेज कर लीजिए, ठीक है। जैसे ओशी ने बताया तो ओशी कैन सबमिट लिटिल बड़े बड़े डाटा से, बाकी सब के लिए ट्यूसडे जो ज्यादा सिक्योर जगह पे होते हैं। ओके देन वी आर एंडिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच। सर व्हाट इज द सिलेबस फॉर संडेस टेस्ट? संडे के टेस्ट का सिलेबस ये जो है सर्वर है वो बहुत बड़े ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। उसके लिए बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है सर, ये सर्वर होते हैं, चलो उसका लिमिट होगा। थैंक यू सर।